शिवसेना के जिला प्रमुख कुंडलिक खांडे की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। कुंडलिक खांडे को छत्रपति संभाजीनगर जिले से गिरफ्तार किया गया था। अभी दो दिन पहले ही खांडे का कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था और इसका असर जिले में देखने को मिला था। अप्रैल माह में उप जिला प्रमुख ज्ञानेश्वर खांडे को खांडे समर्थकों ने सड़क पर रोक कर बेनामी से पीटा था। इस मामले के बाद खांडे पुलिस हिरासत में नहीं थे। आखिरकार इस मामले में पुलिस ने ये कार्यवाही की। कुंडलिक खांडे को आज ग्रामीण पुलिस द्वारा बीड कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस हिरासत की मांग की जाएगी। दिनांक 3/4/2024 रोजी पॉलिटेक्निक कॉलेज बीड जवळ माऊली खांडे हे त्यांच्या खाजगी वाहनाने त्यांच्या दोन साथीदारासोबत त्यांच्या गावी काम करून जात असताना पॉलिटेक्निक कॉलेजजवळ यातील आरोपी कृष्णा पाटोळे, बाबा पाटोळे नंतर यांनी 10 ते 12 लोकांनी त्यांना रस्त्यामध्ये अडवून लाठी लोखंडी रॉड यांनी जीवानिशी हल्ला करण्यात आला। त्यामध्ये माऊली खांडे गंभीर जखमी झाले होते। त्यावरून पोलीस स्टेशन बीड ग्रामीण येथे 120/24 भादवी कलम 307, 120 ब, 143, 147, 148, 149 इतर कलमांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये लालासाहेब हुनगाव या आरोपीस यापूर्वीच अटक करण्यात आलेले आहे आणि इतर आरोपी निष्पन्न करण्यात आलेले आहेत। या सदर गुन्ह्यामध्ये आरोपी कुंडलिक हरिभाऊ खांडे यास रात्री 3:25 वाजता अटक करण्यात आलेली आहे। सदर आरोपितास आज रोजी माननीय न्यायालयासमोर हजर करून योग्य ती PCR घेऊन कायदेशीर कारवाई करीत आहोत। ब्युरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।